ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो प्रोपिवा यस्वरे पुंडरीकाक्षम सब आया भयंकर सुचि ही। दूल्हे की बहन को बुलाया जाए। अरे भाई दूल्हे की बहन को बुलाओ, रीति रिवाज करनी है या नहीं? हम माफी चाहेंगे, हमारी बहन इस वक्त यहाँ है नहीं। आ तो हम कर देते ना लड्डू के भैया की बहन की सारी रस्में पूरी। तो तुम हमारी बहन काय बनोगी? अरे दुल्हन का आना बहुत जरूरी है, वरना ये शादी अधूरी मानी जाएगी। अरे लेकिन पंडित जी, हम ऐसे कैसे किसी को बहन बना ले? आ तो थोड़ी देर के लिए बहन बन जाते हैं ना, अब ऐसे भी कहा है कि अब हम इनकी पत्नी तो रहना आई हैं। मधुमती ठीक बोल रही है, यही बहन की रस्में पूरी करेगी। मामा साहब एक काम करते हैं, टिल्लू को अपनी बहन मान लेते हैं। अरे अरे कैसी बातें कर रहे हैं, टिल्लू को बना देते, टिल्लू कोई औरत है क्या? अरे तो क्या हुआ, मानो तो गंगा मानू ना मानू तो बहता पानी, ये तो मानने पर निर्भर करता है ना। देख क्या बेटे, तेरे पुराने रिश्ते सारे खत्म हो गए, नए रिश्ते कायम कर ले, इसको अपनी बहन बना ले। वैसे भी तूने बीवी बना के क्या उखाड़ लिया था? नहीं नहीं हम नहीं बनाएंगे, हाँ हम नहीं बनाएंगे। अकाय नहीं बना सकते भैया। हमें भैया क्या कह रही हो? बेटे इसने लड्डू के भैया में से लड्डू माइनस कर दिए। एक माइनस दोनों एक। तिवारी जी, अंगूरी जी सही कह रही हैं, इस समय हमें मास्टर संटी राम के इशारों पर नाचना ही होगा, जब तक कि सक्सेना जी कोई उपाय लेकर नहीं आ जाते। चुपचाप मान लीजिए। भाभी आप समझने की कोशिश कीजिए, वो हमारी बीवी रह चुकी है। ऐसा है लौंडे, मैंने अपनी बेटी की शादी कराने में एड़ी चोटी का पसीना निकाल दिया बेटे, अगर तूने शादी में बाधा डाली ना बेटे, इसी मंडप में तेरा टेढ़वा दबा दूंगा। चीखे मत निकाल, इधर पंडित जी बोलने वैसा कर ले। और सुन, मधुमती तेरी बहन बनेगी। हाँ अब लड़के की बहन दूल्हा दुल्हन का गठबंधन करेंगी। ठीक बा। लीजिए, आपका ये गठबंधन बन गया, अब हमको नेक तो दीजिए भैया, कब फ्री में ही गठबंधन बनवाएंगे? हाँ अरे लेकिन भैया काहे कह रही हो पगली, अभी तो बोली थी हमको ड्रामा करने, अब हाय दिया, अब भैया को भैया नहीं कहेंगे तो कब बहन जी कहेंगे? हाँ चलिए भैया, अब जल्दी से नेक रख दीजिए, दूल्हे टाइम पास ना करें, बहन को नेक दें। चलिए रखिए। हाय दियो, भिखारी समझेगा हमको?